भैया हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, इधर दो प्लेट लगा दीजिए चाट। हम लोग इस टेबल पे बैठे हुए, हम लोग पे भी ध्यान दीजिए भैया थोड़ा। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो आज हम मेला घूमने के लिए जाएंगे, जो आप लोग को दिखाएंगे मेला का क्या सीन होने वाला है। जो अभी हम घर में ही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, जो हमारा घर है आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग गाइस मेला जाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं मेला का क्या सीन होने वाला है। जो आज लास्ट मेला है, जो कल भी मेला था, हम लोग मेला नहीं गए थे, थोड़ा सा तबीयत डाउन की वजह से हम लोग घर में रहते हैं, उतना इधर उधर नहीं जाते हैं। जो आज हम मेला जाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। निशा जी तैयार हुई क्या हुई? हम लोग तो नहा हुआ लिए, बस अभी दुकान जा रहे, शाम देंगे, उसके बाद हम फिर घर आके दुकान चलेंगे, क्योंकि दुकान में शाम दे के उसके बाद हम लोग मेला निकलेंगे। जब भी हम लोग दुकान जा रहे हैं, बाद में दिखाते हैं आपको। तो गाइस शाम हो चुका है काफ़ी, और हम लोग दुकान जा रहे हैं, दुकान में धूमना दिखा के उसके बाद हम लोग मेला जाएंगे। जो देख सकते हैं निशा जी यहाँ, बड़ी मम्मी के यहाँ बैठी हुई है घर पे, देख सकते हैं, जो देख रहे हैं सभी क्या कर रहा है यहाँ पे। बेटू मेरा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटू, क्या कर रहा है? गिर गया, देखो क्या कर रहा है, गिर गया। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है तुम? यहाँ बोलो केतारी खा रहे हैं, बोलो अच्छे से, बोलो बेटू, सीधा खड़ा होके बोलो केतारी खा रहा है। तो गाइज मेरा बेटू केतारी खा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा टकलू भतीजा है, देख सकते हैं। तुम लोग दुकान जाएंगे, उसके बाद आप लोग को मेला जब जाने लगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि अभी हमको शाम देने जाना है, और मेरा बेटू रास्ते में मिल गया, इसलिए थोड़ा आप लोग को दिखा दिया। काफ़ी बदमाशी कर रहा है ये लोग, काफ़ी बदमाशी कर रहा है ना तुम लोग, हैं? देख सकते हैं क्या हो रहा है, नरवा का कटाई हो रहा है गाय के लिए। तो उधर भैया जी देखिए क्या कर रहे हैं, दाढ़ी देखिए, भैया जी भी मेला जाएगा, ये भी दाढ़ी बना रहा है, देखिए शाम के टाइम में जल्दी जल्दी बना के मेला देखने के लिए जाएगा, इसलिए दाढ़ी बना रहा है जल्दी जल्दी से। तो गाइस फाइनली आप लोग देख चुके हैं, हम लोग अब दुकान जाते हैं, क्योंकि अगर सारा वीडियो बनाएंगे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी से दुकान जाते हैं, शाम देख के आते हैं, उसके बाद आप लोग को फिर हम लोग मेला के लिए निकलेंगे, तैयार होंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अब तैयार हो गए, जो अब हम लोग मेला निकलेंगे, जो सभी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है हम लोग को दुकान में आने से, और लाइट भी कट चुका था दुकान का। जो अब हम लोग निकलेंगे मेला, जो देखते हैं मेला कैसा रहता है हम लोग का आज का। जो हमारी मिसेज आ चुकी है, देख सकते हैं। हेलो गाइस, जा रहे हैं मेला देखने, जिसको जिसको चाट चाउमीन खाना। तो गाइस आप सुन लिए, जिसको जिसको चाट चाउमीन खाना आ जाइए, हम लोग चलते हैं मेला, देखते हैं मेला में क्या क्या खाती है निशा जी। तो गाइस हम लोग निकलते हैं, अब मेला जाके आप लोग को दिखाते हैं कैसा मेला है। आ जा इधर, देखो इधर देखो, बोलो मेला देखने चलिए आप लोग, हम जा रहे हैं, आप भी चलिए। गाइस मेला हम लोग पहुंच गए, जो देख सकते हैं काफी भीड़ है मेला में, क्योंकि निशा जी अब प्रसाद लेंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर घुसेंगे। जो सबसे पहले बतासा लेगी निशा जी, देख रहे हैं बतासा ले रही है, तो काफ़ी अच्छा भीड़ है। और गांव देहात का तो मेला पता ही है कैसा होता है, क्योंकि बतासा ले लिए निशा जी, तो बतासा ले लिए, बतासा वाले के पास पैसा चल नहीं है, देख रहे हैं पैसा निकाल दिए तो हो गया,
लेवत हम लोग मंदिर की ओर जाते हैं दुर्गा पूजा में, हमें भी अंदर जाना पड़ेगा जो जो मंदिर की ओर घुस रहे हैं लेकिन मन भी मेरा जा रहा है। तो देखिए हेलो दोस्तों, तो यहाँ मंदिर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं मंदिर में काफ़ी भीड़ है। आप लोग देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, जो इतना भीड़ है आवाज़ भी आप लोग को नहीं जाता होगा। जो आप लोग को दिखाते हैं किस तरह यहाँ प्रतिमा बना हुआ है काली माँ का, तो देखिएगा इस किस प्रकार प्रतिमा बना हुआ है। आप लोग को थोड़ा अंदर जाके आप लोग को दिखाते हैं कैसा प्रतिमा बना हुआ है अंदर। आप लोग को पीछे कैमरे से आप लोग को दिखा रहा हूँ किस प्रकार यहाँ भीड़ है और कैसा मेला लगता है यहाँ पे, आप लोग को पीछे कैमरे से दिखा रहा हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे माता प्रतिमा, काफी अच्छा लग रहा है। इतना पूरा हाई फाई सजाया नहीं है तब पर भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से दिख जाएंगे माता प्रतिमा को, काफी कमाल का लग रहा है माता प्रतिमा। हमें तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है सजावट भी, लेकिन हम लोग भी है कि जो दिहाई में हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है देखने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है माता प्रतिमा। तो आप लोग देख रहे हैं ऐसा, देखिए गाइस हम लोग टीका लगा चुके हैं, बहुत ही शानदार बना हुआ है। हम लोग मेला और चलेंगे उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कैसा मेला है। गाइस देख सकते हैं पूजा कर लिए निशा जी आप लोग, तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है मंदिर आने के बाद। तो काफ़ी भीड़ था गाइस, पर उतना भी भीड़ नहीं था जो आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि अभी शाम के बज रहे थे 8 बजे, तो उतना भीड़ भी नहीं होता। आप लोग को तो पता ही होगा कि 10 बजे के बाद ही ज़्यादा भीड़ होगा ताकि प्रोग्राम शुरू हो जाए। देखो मेरा बेटा आइसक्रीम, हम नहीं लेंगे तुम ही ले लो। आया यहाँ हम नहीं लेंगे। देखो मेरा बेटा आइसक्रीम मेला जाता है खाली आइसक्रीम खाता है। चाट के दुकान के अंदर आ गए, जो हम लोग ऑर्डर किए हैं 2 चाट का, एक निशा जी के लिए और एक अपने के लिए, और बेटी उसी में खा लेगा। तो काफ़ी भीड़ है दुकान में, बैठने का जगह नहीं था, पर हम लोग को जगह मिल गया है। जो हमारे लोग का चाट भी आ चुका देख ही रहे हैं, जो हम लोग अब चाट खाएंगे। मिल चुका हम लोग को, हम लोग हम चाट खाएंगे, हमारा बेटा भी चाट खाएगा देख सकते हैं। तो मेला काफ़ी भीड़ था गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं मेला में चाट उतना कोई खास बना नहीं है, तो हम लोग कोई तरह से खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो निशा जी को भी देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं ये लोग चाउमीन खा रहे हैं, मेरा बेटा भी चाउमीन खा रहा है। देखो गुल भाई गोलियां मार देंगे, गोलियां मार देंगे, पता नहीं किसको मारेगा गोली। जो निशा जी हाथ का शंखा ले रही है, जो कि बाबू फोड़ दिया था उसे कुछ करने में, बाबू से छूट गया था, इसलिए निशा जी शंखा ले रहे। जो आप लोग जानते हैं शंखा का क्या मोल है और अच्छा गाना होता है। और बाबू बैलून के लिए बहुत रो रहा था, तो उसको एक बैलून दिला दिया। और निशा सकते हैं, और बाबू बैलून से खेल रहे हैं, बाबू बहुत ही खुश है, जो कि बैलून के लिए पूरा रो रहा था बाबू। देख सकते हैं बाबू बैलून के अलावा और कुछ ही नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे पानी पूरी के दुकान पर पूरा भीड़ था। तो आप लोग देख ही सकते हैं
निशा जी क्या खा रही है, गबा गब मारते जा रही है, हमको पूछ भी नहीं रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का मेला का नज़ारा कुछ और है और यहाँ का आप लोग भीड़ भी कुछ और है, आप लोग देख ही सकते हैं, जो आप लोग को दूर दूर तक दिख रहा होगा तो उतना भीड़ नहीं था, पर अब भीड़ हो ही रहा था धीरे धीरे। तो हम लोग ये जो नाश्ता बेच रही है हमारी भाभी लगती है और भैया भी जो नाश्ता को नाश्ता खाने का पूरा मन हो गया था, इसलिए भैया भाभी के दुकान पर जो यहाँ पे नाश्ता बना रही है और हम लोग के लिए नाश्ता बना रही है। तो अच्छा ही नाश्ता बनाई थी, काफ़ी मज़ा आया खाने में और हम लोग को बहुत मज़ा भी आया मेला में। घर जाते समय आप लोग देख समझने सुनने की क्षमता होती है, अगर हम माँ काली की आराधना करते हैं, हम शिक्षित हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो हम एक निवेदन करते हैं एक बेहतर समाज का निर्माण करें, एक शिक्षित सुसज्जित समृद्ध संपन्न समाज का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आपका हमें आमंत्रण। गाइस हम लोग मेला देखा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं, जो काफी मजा आया हम लोग को मेला देखने में, जो हम लोग घर निकल रहे हैं उसके बाद घर जाके आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस हम फाइनली घर आ चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा गाइस? तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।